लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झारखंड के लातेहार जिले में सक्रिय उग्रवादी संगठन JJMP का एरिया कमांडर सत्येंद्र उराव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत दिन गुरुवार को अंजनी अंजन पुलिस अधीक्षक लातेहार, कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी, द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कुमार कनौजिया, 11 बटालियन CRPF के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधिकारियों ने एरिया कमांडर सत्येंद्र उराव को पुष्प गुच्छ व साल देकर स्वागत किया। उक्त क्रियावादी सत्येंद्र ने पुलिस को बताया कि बड़ा भाई हरदयाल उराव JJMP का सक्रिय सदस्य था, जिसकी मृत्यु वर्ष 2019 में एनकाउंटर में हो गई थी। इसी बात की जानकारी लेने के लिए उसने JJMP सुप्रीमो पप्पू लोहरा के पास गया था। इसके बाद संगठन में विकास लोहरा के साथ रहने लगा। उक्त क्रियावादी सत्येंद्र की उम्र करीब 27 वर्ष, पिता रामपाल उराव ग्राम इरगू थाना पांकी जिला पलामू का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 2 मामले भी दर्ज हैं। सत्येंद्र ने बाकी साथियों से मुख्य धारा से जुड़ने की अपील किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि जिले में अन्य उग्रवादी संगठन जो सक्रिय हैं, उन्हें भी अपने घर परिवार को देखते हुए आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। मौके पर कई पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। इस तरह से ये आज सत्येंद्र उराव और अभिषेक जी और मामा नाम का एक सक्रिय नक्सली था, जो कि JJMP का सक्रिय सदस्य रहा है पिछले कुछ वर्षों से, और ये एरिया कमांडर रैंक का था, जिसको कि पांकी और आसपास के क्षेत्र का एरिया कमांडर बनाया गया था। मनिका का भी कुछ क्षेत्र इसको दिया गया था। तो ये झारखंड सरकार की जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उससे प्रभावित होकर इन्होंने तय किया कि ये मुख्य धारा में जुड़े, और मैं विशेष रूप से इसमें एक सराहनीय योगदान रहा है CRPF का, और CRPF के जो पदाधिकारी हैं और जो उनके उन लोगों ने इसको मोटिवेट किया, और उनके मोटिवेशन से ये बात समझा कि पुनर्वास नीति के बारे में क्या है, और अब ये मुख्य धारा में जुड़ने का इसने फैसला किया। आज इसने मेरे और 11वीं बटालियन के जो कमांडेंट हैं उनके सामने आत्मसमर्पण किया है। कुछ इनाम अभी इस पर इनाम की घोषणा नहीं हुई थी पहले के मामले, और हाँ, इसके 2 प्रमुख मामले हैं जिसका मैं जिक्र कर दूँ। एक का आप लोगों के साथ ध्यान हो कि 2021 में JJMP के साथ एक मुठभेड़ हुई थी लातेहार पुलिस की, जिसमें एक डिप्टी कमांडेंट रैंक के पदाधिकारी शहीद हुए थे, तो उसमें भी ये था। और इसके अलावा पिछले वर्ष 18 सितंबर को पिसरार क्षेत्र में हम लोगों ने एक ज्वाइंट टॉस निकाला था, जिसमें लातेहार पुलिस की SAT की टीमें और CRPF की 11वीं बटालियन की कंपनियां गई थी, उसमें भी मुठभेड़ हुई थी, गोलीबारी हुई थी, हम लोगों का काफ़ी उसमें अचीवमेंट भी मिला था, हथियार और कारतूस वगैरह भी मिले थे, तो उसमें भी ये सक्रिय था। आत्मसमर्पण करने के बाद इसने दोनों ही में शामिल होने का कबूल भी किया, तो कांड भी दर्ज है मनिका और लातेहार थाना। हाल के दिनों में बहुत सारे सरेंडर किए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए काफ़ी सफलता नहीं है। हाँ बिल्कुल है, मुझे लगता है कि जैसा पहले भी कहा है कि समय आ गया है जब सभी उग्रवादी संगठनों को अपना अपना हथियार छोड़ करके मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। ये जो राज्य सरकार की जो नीति सरेंडर का आत्मसमर्पण की, उसके तहत जो है पुलिस और CRPF लगी रहती है अपने नियमित ऑपरेशन के अलावा भी, तो जो हमारी टीम है, जो हमारे लोग हैं क्षेत्र में जो तैनाती है, वो लगातार किसी न किसी के परिवार या रिश्तेदारों के थ्रू संपर्क में रहते हैं, और उन योजनाओं को समझ गया जो राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण की नीति अपनाई हुई है, और इसीलिए मोटिवेट हो गए। हाँ बताइए, कैसे कैसे आप ज्वाइन किए थे, फिर कैसे सरेंडर किए? ज्वाइन तो कर लिए थे ऐसे ही, मतलब घूमते घूमते, कोई मतलब सुन के तो पता चला सरकारी नीति नियम के बारे में, तो हम सरेंडर करने आए। अब और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सरेंडर करने के लिए? यही कहना चाहेंगे कि सरकारी जो लाभ है, नीति नियम, इनका लाभ उठाए। कब ज्वाइन किए थे? 2019 से। किनके दस्ते में काम करते? विकास में। ठीक, आगे क्या करेंगे, घर पे रहेंगे, बिजनेस करेंगे।